अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं आज मम्मा क्या स्पेशल बनाने जा रहे हैं। तो आज मम्मा बनाने वाले हैं चिकन चिल्ली। चिकन चिल्ली एक बहुत ही अच्छा स्टार्टर है और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लगती है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पे सबसे पहले हमने बोनलेस चिकन लिया है अराउंड हाफ केजी, जिसे हमें मीडियम साइज़ में कट कर लेना है, स्क्वायर शेप में, कुछ इस तरह तरीके से जिस तरह से मम्मा कट कर रहे हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने सारे चिकन के पीसेस को कट कर लेना है अच्छे से। ये देखिए, सभी पीसेस अच्छे से कट हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट के तरफ, जो कि है शिमला मिर्च, यानी कि कैप्सिकम। तो कैप्सिकम को भी कट कर लेते हैं। कैप्सिकम के अंदर जितने भी सीड्स होते हैं वो सभी हमें निकाल लेने हैं। सीड्स हम इस रेसिपी में यूज़ नहीं करेंगे। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। स्क्वायर पीसेस में हमें इसे कट करना है, जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस तरह से इक्वल साइज़ में कोशिश करिए इसे कट करने की। और सभी कैप्सिकम को इसी तरह से हमने कट कर लिया है यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमें अनियन लेना है। अनियन को भी ठीक इसी तरह से स्क्वायर पीसेस में हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, आपको दिखा देते हैं किस तरीके से करना है। अनियन के एक एक पार्ट को हमें इस तरीके से अलग कर लेना है। उसके बाद नाइफ़ के हेल्प से हम इसे स्क्वायर शेप देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे ताकि प्रॉपर स्क्वायर शेप हमें मिले। ठीक कैप्सिकम की तरह ही हमें इसे काटने की कोशिश करनी है। तो फटाफट से इसे भी कट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी अनियन को हमने कट कर लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हमने हाफ के जी चिकन लिया है, 1 टेबल स्पून सोया सॉस लिया है, 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस लिया है, 5 टेबल स्पून मैदा लिया है, 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे हम इसमें, 2 टेबल स्पून विनेगर है यहाँ पे, 1 एग। उसके बाद हम लेंगे इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और यहाँ पे हम लेंगे 1 टेबल स्पून सॉल्ट। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने ले लिए हैं। अब सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट करना है, जिसके लिए हम चिकन में सोया सॉस ऐड कर लेंगे जो हमने लिया था। उसके बाद इसमें रेड चिली सॉस ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देते हैं, हमने जो एग लिया था उसे ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मैदा, 5 टेबल स्पून मैदा जो हमने लिया था वो ऐड कर देंगे, और यहाँ पे 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर, और विनेगर ऐड करने के बाद यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर देते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए साइड में रख देंगे। 1 से 1.5 घंटा हो चुका है, ये मैरिनेट अच्छे से हो चुका है। अब हम इस चिकन को फ्राई कर लेंगे, जिसके लिए हमने एक पैन में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा हम इसमें चिकन को फ्राई कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑयल अब गरम हो चुका है। हम इसमें चिकन एक एक करके ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमें इस चिकन को सॉटे कर लेना है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पैन लेना है, पैन में थोड़ा सा हम ऑयल डाल देंगे। यहाँ पे अराउंड 3 टेबलस्पून हमने ऑयल डाला है। उसके बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन यानी कि गार्लिक ऐड कर देंगे। गार्लिक को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ग्रीन चिलीज़ डालेंगे। ग्रीन चिलीज़ को हमने दो हिस्सों में बीच में से कट कर लिया है, तो इस तरीके से आपको कट करके इसमें डालना है। इसे अच्छे से तड़कने देंगे। अब हम इसमें अनियन जो हमने कट कर लिया था, अनियन और कैप्सिकम वो ऐड कर देंगे। अराउंड 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसे भूनना है। उसके बाद हम इसमें अच्छे से पहले इसको भून लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। फिर हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। तो यहाँ पे हमने सोया सॉस ऐड कर दिया है। अब इसमें रेड चिली सॉस ऐड कर देते हैं और उसके बाद इसमें टमेटो सॉस ऐड कर देंगे। तो टमेटो सॉस यहाँ पे 3 टेबलस्पून लिया है, वो भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इससे अच्छे से भून लेते हैं। अब इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें सॉल्ट भी ऐड कर देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमें कॉर्नफ्लोर का घोल रेडी करना है, जिसके लिए यहाँ पे हमने 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। यानी कि हमने पहले 4 टेबलस्पून लिया था, उसके बाद अभी 4 टेबलस्पून लिया है, तो टोटल 8 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर हमें लगेगा। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल बना लेते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब हमें इस घोल को हमारे पैन में ऐड कर देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसमें हमारा चिकन ऐड कर देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए आप इसे भून लें। अब हम इसमें स्प्रिंग अनियन ऐड कर देंगे थोड़ा सा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये रेडी है सर्व करने के लिए। इसे अच्छे से सर्व कर लेते हैं और आपको हम सर्व करके इसे दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे सर्व कर लिया है। अब इसकी गार्निशिंग भी हम स्प्रिंग अनियन से करेंगे। बहुत ही डिलीशियस बनता है ये, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे हम एक न्यू और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ।